Balmuchu. धन्यवाद उपसभापति महोदय जी. रेल भारत की प्रगति का हृदय है सर, और ये भी कहें कि ये भारत अर्थव्यवस्था की बुनियाद है. यहाँ प्रतिदिन करीब 12,617 गाड़ियों पर करीब 23 मिलियन यात्री सफ़र करते हैं, और 7,441 माल गाड़ियों के बदौलत करीब करीब 3 मिलियन टन माल ढोया जाता है. और ये एक इतना महत्वपूर्ण विभाग सरकार की है, मगर ये सरकार उस विभाग को पूरी तरह से चलाने में असक्षम रही है. अगर हम देखें तो पिछले बजट में कुछ विचार आए थे, और इस साल कुछ नए और विचार दे दिए गए, मगर ज़मीन पर कोई भी विचार उतर नहीं पाया, और जिसके चलते जो देश की जनता की आकांक्षाएं थी रेल के प्रति, रेल की सुविधा के प्रति, शायद उसको भारतवासी प्राप्त नहीं कर सके. आज अगर हम देखें तो ये करीब 1,41,000 करोड़ का बजट का आकार है, और उसमें करीब 15,744 करोड़ रुपये की राजस्व की कमी होने का अंदाज है. अगर इस वर्ष को लें, चालू इस वर्ष को लें, तो इसका लक्ष्य पहले तो 1.83 लाख करोड़ रुपया रखा गया था, मगर कहीं ना कहीं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकने के कारण इसे घटाकर फिर पुनः 1.6 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया. अगर माल ढुलाई की बात करें तो उसमें भी रेवेन्यू अगर 1980 में करीब 62% था, और 2012 में ये घटकर 36% हो गया. ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि ये रेलवे की मोनोपोली है. इसके बावजूद भी रेल के यात्रियों के रेवेन्यू में कमी आ रही है, उसके भाड़े में जो ढुलाई से रेवेन्यू आता उसमें कमी आ रही है, तो बहुत ही ये चिंता का विषय है. अगर ऐसा कंपटीशन रहने की बात रहती तो हम समझ में आता है कि चलिए कंपटीशन है, मगर रेलवे को तो मोनोपोली है, और उसके बाद यात्री यहां से भाग रहे हैं. आखिर क्यों भाग रहे हैं? अगर माल की बात करें, ढुलाई की बात करें, तो हो सकता है एक आध दो और ऑप्शन लोगों के बीच में है, भारतवासियों के बीच में है, चाहे रोड की बात करें, चाहे वो सीट की पानी की बात करें, मगर सबसे ज्यादा ढुलाई इसी के द्वारा हो जाता, सस्ता भी है. मगर इसके बावजूद भी आप रेवेन्यू को देखें तो दोनों में, चाहे यात्री में देखें या माल में देखें, दोनों में लगातार कमी होते जा रही, कमी होते जा रही है. अगर अब 15-16 की बात करें तो यात्री किराए में करीब 50,175 करोड़ आमदनी का अनुमान था, और फिर उसी में 15-16 में करीब 1.21 करोड़ रुपए आमदनी का अनुमान था. इसके बावजूद भी इसमें फिर कमी आ गई. आज माननीय मंत्री जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए, और ये देश को भी चिंता का विषय है कि आखिर कैसे इस रेल को और हम सुविधाजनक और सस्ता कैसे बनाएं. अगर परिचालन की बात करें, ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें, तो 2013-14 में ये 93.6% था, और 14-15 में ये फिर घटकर 91.8 हो गया, और 15-16 में फिर 88.5% की बात कही गई. अभी ये प्रोजेक्शन किया गया इस साल, इस बजट में 16-17 में 92.5
92% रखा गया है। ये मंत्री जी हैं, बड़ा चिंता का विषय है। अगर इसको आप हम नहीं बढ़ाएंगे, अगर इस रेशियो का अगर ऊपर नहीं बढ़ाएंगे तो हम कभी भी इस रेल को ठीक नहीं कर सकते, चाहे जितना कोशिश कर लीजिए। और इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, एक उपाय से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप देख लें, हिस्ट्री को देखें तो 1963-64 में ये रेशियो 74.7 था। आखिर क्या कारण थे उस जमाने में, 63-64 में हम इसको अचीव करें 74% कर लिए, तो अगर उस समय हो सकता था तो आज क्यों नहीं हो सकता? कहीं ना कहीं हम में कमी है जिसके चलते हम ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने कहा कि जब तक इसको हम अचीव नहीं करेंगे तब तक ये रेल हमारा सुदृढ़ नहीं हो सकता। अभी नई रेल लाइनों की बात कही गई, मंत्री जी ने कहा अपने बजट भाषण में कि हम लोग करीब करीब 16-17 में 2500 किलोमीटर नई और दोहरीकरण लाइन की दोहरीकरण या नई लाइन बिछाने का लक्ष्य रखें, और फिर उसको बढ़ाकर अगले साल 17-18 में 2800 किलोमीटर करने का लक्ष्य है। अगर हम दूसरे राज्य से, दूसरे देश से उसको कंपेयर करें, अगर चीन की बात करें तो चीन में प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर रेल लाइन बढ़ाया जा रहा है, नई लाइन लगाई जा रही है, और उनका लक्ष्य अगला लक्ष्य करीब करीब 30,000 किलोमीटर हम प्रतिवर्ष रखें। तो हमको वो चित्र देखना पड़ेगा कि आखिर दूसरे देश, हमारे पड़ोसी देश किस तरह से काम करे, किस तरह से रेलवे का विकास करे, किस तरह से लाइन का वो एक्सटेंशन कर रहे हैं। पिछले वर्ष आपको याद होगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के नाम से सरकार ने इस रेल को प्राइवेट पार्टियों को देने का प्लानिंग किया, और आज के दिन में भी देखें तो प्राइवेट पार्टी इस रेल में नहीं आ रही, जबकि मोनोपोली है, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा। आखिर क्या कारण है? कारण बड़ी साफ है कि योजनाएं सिर्फ कागज पे है, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उनको विश्वास नहीं है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फायदा होगा, जमीन में नहीं उतर रही है। आप तो बुला रहे हैं, प्राइवेट पार्टी को न्योता दे रहे हैं, इसके बाद भी प्रयास रहा एक साल करीब करीब, मगर उसके बावजूद भी आपको कोई आदमी नहीं आया, सामने नहीं है। लालू जी के समय हमको याद होगा यूपीए 1 में 6 फ्राइट कॉरिडोर का घोषणा की गई थी, 6 फ्राइट कॉरिडोर की घोषणा की गई थी, उसमें से 2 का काम तो चल रहा है, एक नई दिल्ली और चेन्नई जो है इसका काम, अभी इसको स्वीकृति मिली इसका भी काम करने की उम्मीद है। अब बाकी जो 3 हैं अभी ये सरकार करी, हम शुरू करेंगे। असलियत ये है कि ये सरकार शुरू नहीं कर सकती इसलिए कि प्राइवेट पार्टियों को खोज रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर को खोज रही है, और इन्वेस्टर को ये विश्वास नहीं है जिसके चलते लोग यहां नहीं आ रहे, और ये कॉरिडोर जो आपका ये बन नहीं रहा है। आज अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे, अगर हम लोग माल की ढुलाई को हम लोग नहीं देखेंगे तो कभी भी हमारा रेल का जो फाइनेंशियल है वो स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। पिछले दिनों मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था, पिछले बजट में, कि हम जो स्टेशन 10,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू देती है, वैसे 400 स्टेशनों को इन लोग आइडेंटिफाई किए थे, चिन्हित किए थे, और उन्होंने कहा था इनका हम विकास करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आज एक साल बीत गए, उसके बाद देख लीजिए ये 400 स्टेशन में कोई भी स्टेशन का कोई जीर्णोद्धार हुआ क्या? क्या विकास हुआ क्या? जो रेवेन्यू दे रहे थे उनको वैसे के वैसे 10,000 रुपये दे रहे हैं। आपकी पॉलिसी थी, आपने कहा था, हम लोग ने नहीं कहा था, आपने कहा था, मगर उसके बावजूद भी आप उस पर खरा नहीं उतरे। आज कोई भी स्टेशन, मैंने कहा जो 400 स्टेशन की बात कही गई उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अभी नई ट्रेनों का उद्घाटन घोषणाएं की आपने, हम सफर ट्रेन है, तेजस ट्रेन है, उदय ट्रेन है, मगर इसमें ये नहीं कहा कि वो ट्रेन कब से शुरू होगी, कहाँ शुरू होगी, कैसे चलेगी, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। रेक में रखा गया कि हम नई ट्रेन शुरू करेंगे, मगर कहाँ शुरू करेंगे इसका जिक्र मंत्री जी ने नहीं कहा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि मंत्री जी पिछले बजट में बड़ी फोकस किए थे सफाई पर, बहुत टॉयलेट की बात कही थी, सफाई की बात कही थी, स्टेशन में सफाई की बात कही गई थी, पूरी तरह से ये कहें पूरा बजट जो था वो सफाई पे केंद्रित था।
अगर आज हम देख लें एक साल के बाद में सफाई में क्या बढ़ोतरी हुई है, आज भी अगर राजधानी में चल रहे हैं ऐसी ट्रेन है राजधानी, उसमें भी चूहे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर से उधर, कॉकरोच है वो चल रहे हैं। अगर कंप्लेन किया जाता बोलता ये तो यार्ड से ही चलाया चूहा। अरे भाई यार्ड से चूल्हा चलाया तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम लोग तो ट्रेन में चलते हैं, देखते हैं कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। राजधानी जैसे ट्रेन की आ रहा था, बाकी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका आप तो वॉशरूम में नहीं जा सकते। अभी मंत्री जी करते हैं सफाई, सफाई की बहुत बात कर रहे हैं, थोड़ा मंत्री जी को ट्रेन में घूमना चाहिए, जो लोकलो ट्रेन में देखना चाहिए, एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें जाके घूमना चाहिए, तब पता चलेगा कि सचमुच में सफाई का क्या हाल है। आज हम झारखंड से आते हैं और झारखंड में जो दो रोड रेल के दो डिवीजन है, जो चक्रधरपुर और धनबाद, एक ऐसा डिवीजन है, ये दोनों डिवीजन मिला के इस रेलवे को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, और सुविधा के नाम से इस राज्य को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग की बहुत चिर प्रचित बहुत दिनों की मांगे थी कि परसोत्तम का एक्सप्रेस हम लोग घाटशिला में रुकवाएं। पॉलिटिकल लोग इधर बिहार के लोग सब लोग अपना 15-15 किलोमीटर में रुकवा दिए, मगर जब हम लोग को देने की बात होती है तो ये कहा जाता है कि भाई ये इसकी दूरी जो है वो बहुत कम है, और आप तो 15-15 किलोमीटर रुकवा दिए। और आज हम लोग की मांग है कि भाई पुरुषोत्तम को कम से कम घाटशिला में रोका जाए। उसी तरह से वेलोर की कोई ट्रेन है, वेलोर आपको पता है कि एक ऐसा जगह है जहां सबको जरूरत पड़ता है, बीमार लोग वहां जाते हैं, और हमारे यहां से रांची से जमशेदपुर से धनबाद से कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो भिलोर को जोड़े। एक ट्रेन चलती है एलएपी ट्रेन और वो लोकल के बराबर है, अगर वो ऑपरेशन चले तो आधा रास्ते मर जाएगा। हम लोग की मांग थी, बहुत पुरानी मांग है, कि इसमें कम से कम एक सुपर फास्ट ट्रेन चला जाए ताकि जो लोग बीमार हैं कम से कम उसको वो सुविधा मिल सके। उसी तरह बेंगलोर के लिए ट्रेन चलती है, बेंगलोर में बहुत आईटी के क्षेत्र हैं, बहुत से लोग वहाँ काम करते पढ़ते हैं बहुत बच्चे, और वहाँ सिर्फ ट्रेन चलती है जमशेदपुर से एक दिन चलती है और रांची से सिर्फ दो दिन। हम लोगों ने निवेदन किया था इसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम बढ़ाइए, आप कम से कम इसको और थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए, परिचालन उसको बढ़ाइए, मगर इसके बावजूद भी अब तक मैंने कहा कि 3 साल से हम लोग ये बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम जो ट्रेन चले उसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है आपको, मगर वो भी आज तक नहीं बढ़ा पाए। राजधानी की बात करें, राजधानी भी हमारे सिर्फ 4 दिन है, अरे सब जगह हर दिन करा दिए राजधानी, सब लोग चढ़ते हैं उसमें, हम लोग बराबर हमारे लोकसभा के साथी भी वहाँ डिमांड कर रहे हैं, उसके सत्ता के लोग डिमांड कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी राजधानी अब तक 7 दिन नहीं चली। हमारे यहाँ हैदराबाद के लिए कोई ट्रेन ही नहीं है, हम लोग ने मांग किया था कम से कम हैदराबाद के लिए, जो वहाँ पर लोग बच्चे पढ़ते हैं, बहुत लोग नौकरी करते हैं नौजवान लोग, उसको ट्रेन दिया जाए ताकि उसकी सुविधा वो ले सके। उसी तरह पुणे की बात है, पुणे के लिए कोई ट्रेन नहीं है। ये सब जो चीज़ें जो 3-4 जगह पुणे हैदराबाद बेंगलोर की बात हमने कही, इसलिए कही कि हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ पर धनी हमारा क्षेत्र राज्य बड़ा धनी है, वहाँ बहुत से मिनरल्स है माइंस है, मगर वहाँ नौकरी नहीं है, नौकरी करने के लोग बाहर जाते हैं, वहीं पुणे या बम्बई जाते हैं, वहाँ जाने के लिए कम से कम ये सुविधा हम लोग को दिया जाए। और मैंने कहा कि हम लोग की जो झारखंड है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको देती है, और इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार कम से कम इसमें ध्यान दे ताकि झारखंड के लोग जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं उसको लाभ मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। महा